दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं। मतलब आपके पास अगर में ज़मीन है, ठीक है, आपके नाम से है, तो आप 6,000 रुपये हर साल आप ले सकते हैं, वो भी आप 3 किस्तों में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो ज़मीन जिनके नाम पर उनको किसानों के लिए हर 4 महीने पर 2,000 रुपये किस्त मिलता है। अगर मैं आपको भी लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल से कैसे करना है। उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट हो, और वो भी सेविंग अकाउंट या नहीं करेंट अकाउंट। और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और जो ज़मीन होता है उसका एक आता है, एक खतौनी होता है, उसके पास आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ज़मीन जो खतौनी होता है उसी में एक होता है खसरा नंबर, खाता संख्या और हेक्टेयर, सब चीज़ उसमें लिखा रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। या तो आपके पास खतौनी में देख लीजिएगा और आप फिल कर सकते हैं, बट आपके पास ये सब होना चाहिए। तो आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर टाइप करना है पीएम किसान, से पीएम किसान लिखेंगे, यहाँ पे पीएम किसान गोल आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है इस एप्लीकेशन को। इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे लुक देख सकते हैं इसका, और आपको कुछ देर वेट कर कीजिएगा और कुछ इस तरह का अलाउ करने का दिया जाएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के चलाएंगे। अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर न्यू फार्मर्स रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको अपना यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपको सारा डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, यूपी बिहार जहाँ के भी होंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के मतलब जिस जिले का होंगे आपको यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मतलब अपना तहसील सेलेक्ट करना है, जिस भी तहसील का आते होंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक आपका जो भी ब्लॉक आता होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आता है विलेज, अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट करना है जो भी, और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मर्स ने मतलब अपना नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी है, तो अगर मैं आप पुरुष होंगे तो मेल रहेगा, अगर मैं आप महिला हैं तो फीमेल रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी में आप ST SC या जनरल या अदर जो आपको आपको आते होंगे कैटेगरी में वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फॉर्मर टाइप्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और अगर मैं आप छोटे किसान हैं तो आपको यहाँ पे नीचे वाले पर क्लिक करना है स्मॉल पे, और आपको देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका आधार कार्ड नंबर आ गया। अब आपका जो भी बैंक अकाउंट का है उसका IFSC कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है पंजाब नेशनल। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। मैं बता दूँ कि अकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए, अगर मेरा अकाउंट नंबर सही नहीं रहेगा तो आपका जो भी पैसा आने वाला रहेगा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट जो भी डालिएगा वो सही सही डालिएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट बहुत से लोगों को मिस्टेक आता है और इसके लिए नहीं आता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है जो भी आप, और उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा और आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस सन का होंगे वो आपको यहाँ पर सन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ आपको यहाँ पे अपना फादर नाम डालना है या मदर नाम या हस्बैंड नाम, ठीक है, तो आपका जो भी फादर का नाम होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप बोल रहा है कि आपका जो ज़मीन है वो ज्वाइंट है या सिंगल है, मतलब उस ज़मीन के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं या सिंगल है। जैसे सिंगल होगा तो सिंगल पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना खाता नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खसरा नंबर डालना है। उसके बाद अपना हेक्टेयर डालना है, और उसके बाद एड पर क्लिक करना है। अब ये आपको कैसे नहीं मिलेगा, तो आपके वो जो खतौनी पर बोला हूँ कि आपके खतौनी पर रहता है खसरा नंबर, खाता संख्या और हेक्टेयर आपको खतौनी से मिल जाता है, तो उस पर देख लीजिएगा और आप सब फिल कर दीजिए। जैसे मैं अपना फिल कर लेता हूँ, और फिल करने के बाद आपको एड पर क्लिक करना है। और जैसे एड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एड हो गया है। अब अगर मैं ज़मीन है तो यहाँ पर आप एड कर सकते हैं, जैसे कि मैं जो भी फिल किया हूँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है, मतलब बहुत से लोग जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उनके मन में शंका ये होता है कि हो सकता है कि मेरा 2 दिन के बाद पैसा आने लगे, या 1 महीने के बाद आने लगे, या मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो आने लगे। बट आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं चेक कर सकते, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो चेक करने का आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर रहता है एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है,
और उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता देगा। अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग रहेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 5 दिन 10 दिन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखाएगा। जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पेंडिंग हम क्या रहेगा अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन आप डेट को रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे यहाँ पे डेट भी दिखाएगा, जैसे कि मैं 5 जून 2020 को रजिस्ट्रेशन किया हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इतने तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको मात्र मैं बता दूँ कि इसका लास्ट डेट है 15 दिन के अंदर ये अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर मैं मेरा वीडियो लॉकडाउन में देख रहे हैं तो हो सकता है कि 2-4 दिन आगे डेट पड़े, जिससे कि आप सबको मालूम है कि कोई भी लॉकडाउन में काम नहीं कर रहा कि जल्दी से आपका काम हो जाए। क्योंकि मैं अपने गाँव में जो भी जिन लोगों को भी किया हूँ, किसी का 13 दिन में अप्रूव हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, किसी का पेंडिंग पड़ा है। जबकि अभी मैं कम से कम लगभग 40-50 आदमी को मैं इसी तरह किया हूँ और उसमें से कम लगभग 13 आदमी को अप्रूव हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो पेंडिंग में पड़ गया है, ठीक है, किसी रीजन से उन लोगों का पेंडिंग पड़ा होगा, बट आपको इसी भरेंगे तो आपका वो अप्रूव हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा अप्रूव कोई नहीं। अब बहुत से लोग दिमाग चलाएंगे, हो सकता है कि मेरा 1 महीने बाद 10 दिन बाद मेरा आधार कार्ड नंबर डाल के चेक करेंगे तो ये अप्रूव बताएगा, नहीं ये हमेशा पेंडिंग ही बताएगा, मैं बता रहा हूँ ये पेंडिंग ही बताएगा। अब मैं बता दूँ क्यों बताएगा, क्योंकि जो मैं अपना खसरा नंबर खेत का जो भी डाला हूँ अपना डिटेल, ठीक है, वो मैं रोंग डाला हूँ, मतलब अपने पिताजी वाला डाला हूँ, ठीक है। बट आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, मैं जो भी है आपको क्लियर करके बता दिया हूँ, ठीक है। बट मैं 100% बताता हूँ कि अगर मैं इसे करते हैं, ठीक है, तो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपका पैसा हर 4 महीने पर आपका 2000 रुपये आने लगेगा। तो आप लोग अपना अड़ोस पड़ोस से अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कीजिए और मज़ा लीजिए, आपको कहीं का जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आपको 1 रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा रहा।